अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुस्सा देखना था ना तुम्हें तो देखो। पापा मैं गिर जाऊंगी। तो गिर जाओ। पापा क्या कर रहे हो? रजत जी दियो। चाची देखो ना पापा कितने पावरफुल हो गए हैं, एकदम सुपर हीरो की तरह। शिवू तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मुझे कोई चोट नहीं लगी। मैं सुपर हीरो की बेटी हूँ, मुझे कोई नहीं डांट सकता। अगर किसी ने भी मुझे डांटा तो मेरे पापा उसे ऐसे ही उठाएंगे जैसे अभी बेड उठाया है। दीवू अब फिलहाल जाओ यहाँ से, हमें आपके पापा से बात करनी है, ठीक है? चाची छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओ हाँ, हमें याद आया, दीवू वो जो कार्यक्रम वाले लोग हैं ना, वो लोग बच्चों के लिए भी कपड़ा लाए हैं। जाओ जाकर देखो, वरना पता चला तुम जो बनना चाहती हो वो बन नहीं पाओगी। क्या बच्चों के कपड़े आ गए? हाँ वही तो हम कह रहे, जाओ जल्दी जाओ। स्वर्ण नगरी लंकापति रावण भेद लोभ। रजत जी ये क्या हो गया आपको और ये सब क्या था? कितनी देर हो गई है, कब निकालेगा रजत अनमोल को? सब्र रखो, हमारी शक्तियों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। जैसे जैसे हम वशीकरण मंत्र पढ़ेंगे रजत पर काली शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जाएगा। दशानन स्वर्ण नगरी लंकापति रावण भेद लोभ मोह काम क्रोध रावण भेद लोभ मोह काम क्रोध। ये चोट कैसे लग गई आपको? दीजिए हाथ। पता नहीं आप इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, कितनी गहरी चोट भी लग गई आपको। कोई है जो हमारे कार्य में बाधा डाल रहा है?
ये रजत जी को क्या हो रहा है? गलती से भी ये काला घेरा खंडित नहीं होना चाहिए, वरना नकारात्मक शक्ति रजत को पूरी तरह से घेर लेगी और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा। अब देखना हमारी शक्तियों का कितना खतरनाक प्रभाव पड़ता है। और अनमोल के साथ क्या क्या होता है, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सारे काम है अभी। बाहर और भी सजावट का सामान है, वो ले आओ जल्दी से। ये क्या अनमोल बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? मोहल्ले के लोग आते ही होंगे बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। दीवू के साथ रामलीला की प्रैक्टिस भी तो करनी है ना माँ। रजत जी की तबीयत ठीक नहीं है, धूप में गया होगा ना, इसीलिए सर भारी हो गया होगा। हम जाकर मिलते हैं उससे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दीवू बेटा यहाँ आओ, जल्दी आओ, तुम चाची के साथ रामलीला की प्रैक्टिस करो। जल्दी जल्दी, मुझे आपके साथ में कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, अगर तुम कोई अभ्यास नहीं करोगी तो हम तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा हनुमान जी के बारे में भी नहीं बता पाएंगे। क्या तुम्हें उनके बारे में नहीं जानना? क्या बताओगे? उनकी प्यारी प्यारी बातें। आपको पता है रामचरितमानस में बहुत प्यारी चौपाई लिखी गई है, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चलेउ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर धाना एहि बाती चले हनुमाना। जिसका मतलब है कि जिस पर्वत पर हनुमान जी अपना पैर रखकर चले थे ना, वो सीधा पाताल में जाकर धस गया था। और जैसे श्री राम जी अपना अमोघ बाण चलाते हैं, उसी तरीके से हनुमान जी चले थे, और ठीक वैसे ही हमारी देवी भी चलेगी, क्योंकि उसके पास हनुमान जी का गदा है। वाह चाची, तू बहुत ब्यूटीफुल है। हम जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा बनवा कर ला दिए। लो। क्यों मान ली तुमने बड़ी दादी की बात? तवीम जी, हमें हमारे परिवार की फिक्र है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से परिवार में कोई भी दुखी हो, इसीलिए बस बड़ी दादी का दिल जीतने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं मानी तो? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। ये मेरी दोस्त है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे नहीं छीन सकती, समझी तुम गंदी दीदी? अगर आप इसकी दोस्त होती तो जो कर रही है वो नहीं करती। हमारे कहने का मतलब ये है कि असली दोस्त ऐसे नहीं होते जो अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उसे इस तरह खींचे। असली दोस्त तो ऐसे होते हैं जो प्यार से अपनी तरफ करते हैं। ज्यादा फड़बड़ मत करो समझी, और मेरी दोस्त को छोड़ दो। हमने कहा ना, हम दीवू के दोस्त हैं, हमें उसके साथ अभ्यास करना है, इसलिए आप जाइए यहाँ से। मुझे दर्द हो रहा है। मेरे दोस्त भाई साथ कोई प्रैक्टिस नहीं करेगी, समझी? और हम भी कह रहे हैं कि वो करेगी। दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। क्या कर रही है, उसे दर्द हो रहा है, छोड़िए। देखिए दर्द करा दे रहा तुमने मेरी दोस्त को, छोड़ो।
दीदी दीदी मुझे धक्का क्यों दिया? अनमोल, विदुला और दीवू को धक्का दिया तुमने, उन्हें चोट पहुंचाई। रजत जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम धक्का नहीं दिए। अनमोल, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब तुम्हारा समय समाप्त, सारे तमाशे सारी हरकतें यही खत्म। अब रावण बने तो क्या उसके किरदार भी चले जाएंगे? उसकी दस सिर का गुस्सा एक सिर में मत लाइए। दादा जी आप क्या कर रहे हैं? मत कीजिए, सामने कील लग जाएगी। चुप! रोकना टोकना मुझे पसंद नहीं है, समझे? और दूर रहना मुझसे। और अब मेरी आंखों के सामने आना मत, समझी? तेरी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। और हां, अभी तो तुमने मेरा एक छोटा सा रूप देखा। असली रावण को बहुत जल्द ही देखोगी। रजत जी का व्यवहार हमारी समझ से बाहर जा रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है कि हम गिरे हों और रजत जी ने हमें संभाला ना हो। क्या हुआ अनमोल? नजरों के साथ साथ अब तुम जमीन पर भी गिरने लगी? वैसे आज तुम्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है। हर घंटे तुम्हारी कीमत रजत की नजरों में गिरती चली जा रही है। अब भी समय है, पीछे हट जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह घर के बाहर पड़ी मिलो। वैसे एक बात कहें आपसे, आपको ना अपना नाम मृदुला से बदलकर अवरोही माता रख लेना चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप सारे काम उल्टे करती हैं, उल्टा सोचती हैं, और अब देखिए आपकी गणित भी उल्टी चाल चलते चलते कमजोर पड़ गई है, क्योंकि उसे तो इतना भी नहीं पता कि कहानी घंटों में नहीं बल्कि पलों में बदलती है। और हम वही हैं जो अपनी कहानी को पलों में बदलते हैं।
इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने मैया सीता की कुटिया के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी और उन्होंने कहा, माते, मैंने गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से यहाँ एक अदृश्य दीवार बनाई। जो कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करेगा, जल के भस्म हो जाएगा। आपसे विनती, जब तक राम भैया ना आए, आप अपने चरणों को इस रेखा के पार ना रखें। इक्षाम देहि, इक्षाम देहि, इक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। कल्याण। आप यही रुकिए, हम अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आते हैं। अवश्य। हमने सबके महीने का खर्चा बांध दिया है और आप सभी लोगों को अब इसी में से अपना महीने का खर्चा चलाना होगा। हेलो गोपाला, 25,000 का इंतजाम करके रख में लेने आ। हमें पता था गोपाला कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, इसीलिए हमने ये सब किया। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। मुनिवर, ये लीजिए, हम आपके लिए भिक्षा लेकर आ गए हैं। देवी, ये भिक्षा तुम्हें यहाँ आकर देनी होगी। क्षमा कीजिएगा मुनिवर, लेकिन हमारे देवर ने हमारी रक्षा के लिए रेखा खींच कर गए हैं, जिससे मैं पार नहीं कर सकती। अपमान, घोर अपमान कर रही हो तुम हमारा। हे देवी, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं, अतिथि देवो भवा, इस देव समान अतिथि का तुम अपमान कर रही हो। बिल्कुल नहीं मुनिवर, हम तो बस अपने देवर के आगे का पालन कर रहे हैं। कृपा कर हमारी स्थिति को समझने की चेष्टा करें। हम समझेंगे। अरे, हम कोई ऐसे वैसे तपस्वी नहीं, हमें तो ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे स्वामी वन में स्वर्ण मृग को खोजते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और उसी स्वर्ण मृग ने तुम्हारे पति को अपने तीखे सींगों से चोट पहुंचाई है। फिर भी तुम्हारे पति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और अब जो कि तुमने हमारा अपमान किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं। उस स्वर्ण मृग के सींगों से तुम्हारे पति की नहीं नहीं नहीं, हम आपसे विनती कर रहे हैं मुनिवर, ऐसा मत कीजिए, हमारे पति को श्राप मत दीजिए। हम अभी वहां आते हैं। शीघ्र। आपसे विनती, जब तक राम भैया ना आए, आप अपने चरणों को इस रेखा के पार ना रखें।
तुम हमें भिक्षा दोगी? अरे हम तो तुम्हें भ्रमित कर रहे थे। हम कोई साधु नहीं, हम लंकापति रावण है। दशानन दशानन स्वर्ण नगरी लंकापति रावण, दशानन दशानन स्वर्ण नगरी लंका। राजा जी हमें दर्द हो रहा है, तुम्हारे हाथ थोड़ा धीरे पकड़िए। सुंदरी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। दोस्त रावण छोड़ो हमें। चलो इस घर से निकल जाओ, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। अनमोल तुम राम के भरोसे थी ना, देखो तुम्हें रावण मिल गया। हे श्री राम रक्षा कीजिए हमारी। अत्याचार पे सदा सच का तीर चला।